भाग के शादी मत करें, ये फिल्मी शादियां होती हैं और इनका भूत भी फिल्मी शादी की तरह उतर जाता है। तो आप ना घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। फिर तो मैंने सिर्फ एक सलाह भेजी माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो भाग के शादी मत करें, ये फिल्मी शादियां होती हैं और इनका भूत भी फिल्मी शादी की तरह उतर जाता है। ये महिलाएं हैं जितनी लड़कियों ने लव मैरिज किया है वो अधिकांशतः अब उस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहती हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है समाज में कि लड़कियां जल्दबाजी में शादी करने से बचें, पहले अपना करियर बना लें, अपने पांव पर खड़ी हो जाएं और सामने वाला जो लड़का है उसकी पढ़ाई लिखाई उसकी योग्यता को ध्यान में रख करके और परिवार की समझ के साथ में ही यदि शादी करें तो ऐसी शादियां टिकती हैं। और यदि आप घर से भागकर शादी करते हैं और बाद में लड़का यदि आपको छोड़ देता है तो आप ना घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। इसलिए हमारे पास आयोग में जो अनुभव हैं उसके आधार पर मैं ये समझाइश देती हूँ कि जल्दबाजी में बिल्कुल 18 साल हुए हम मैच्योर हो गए शादी के लायक हो गए 21 साल का लड़का हो गया है तो भाग के शादी मत करें, ये फिल्मी शादियाँ होती हैं और इनका भूत भी फिल्मी शादी की तरह उतर जाता है। देखिए मैं नहीं देखिए मैं NCRB के डाटा को और महिला आयोग को अभी मिला करके कोई स्टडी नहीं है मेरे पास तो मैं उस पर नहीं जा सकती हूँ। महिला आयोग की यदि मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज की तारीख में भी मेरे पास लगभग 2000 के आसपास मामले पेंडिंग हैं और मैं जब आई थी आयोग में तो 582 मामले पेंडिंग हुआ करते थे परंतु हर साल मैं लगभग 2000 से ज़्यादा मामले सुन चुकी हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 7-8 हज़ार मामले सुन चुकी हूँ, उसमें से 5-6 हज़ार मामलों का निपटारा हो चुका है। और ये आंकड़े यदि हम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की बात करें तो हमारे रेशो ज़्यादा हैं क्योंकि महिला आयोग पर महिलाओं का विश्वास बढ़ा है, यहाँ उन्हें कोई भी 1 रुपये का खर्च नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें वकील की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर क्विक रिलीफ मिलती है, क्विक डिस्पोजल होता है और महिलाओं को यदि फाइनेंशियली सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी हम दिला पाने में सक्षम हैं। देखिए अभी तो मैंने सिर्फ एक सलाह भेजी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारी आयोग के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो शीघ्र नियुक्ति कर दें ताकि महिलाओं की समस्या के लिए पूरे जिले भर में कभी भी कोई घटना हो जाती है तो सभी जगहों से सदस्य होने से हम अपने काम को बहुत क्विकली अंजाम दे पाते हैं। और पहले हमारे पास बस्तर और अंबिकापुर से भी सदस्य थी तो अभी एक पत्र मैंने भेजा हुआ है मुख्यमंत्री जी को, देखते हैं वो कब तक नियुक्ति करते हैं।